बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। नाइन्थ क्लास बच्चों चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ था हमने। आज का आपका लेक्चर है लेक्चर नंबर ये चैप्टर नंबर 3 का। आज का टॉपिक है बेटा आप लोगों का क्लाइंट एंड सर्वर। क्लाइंट को देखना है और हमने देखना है सर्वर को कि सर्वर क्या होता है और क्लाइंट क्या होता है। याद रखिएगा जब हम नेटवर्क की बात करेंगे तो नेटवर्क में हमारे पास क्लाइंट भी इन्वॉल्व होगा और सर्वर भी इन्वॉल्व होगा। इन दोनों के कम्बिनेशन से हमारे पास एक नेटवर्क बनता है। ठीक है, क्या बनता है? नेटवर्क बनता है, सर्वर भी होते हैं उसमें और क्लाइंट्स भी होते हैं। पहले बेसिक पॉइंट आप लोगों को समझा दो, फिर रीड कर लेते हैं हम थोड़ा सा कि जब नेटवर्क सेट करते हैं तो हमें क्लाइंट की भी ज़रूरत पड़ती है और सर्वर की भी ज़रूरत पड़ती है। याद रखिएगा क्लाइंट और सर्वर दोनों कंप्यूटर हैं। क्लाइंट और सर्वर दोनों ही कंप्यूटर हैं जिनका हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं नेटवर्क बनाने में। अगर सादा सी एग्जांपल दे दूं आप लोगों को, आप लोग समझ सकते हो कि सर्वर एक एज अ शॉपकीपर के तौर पे काम करता है, क्लाइंट एज अ कस्टमर के तौर पे काम करता है हमारे नेटवर्क में। सर्वर क्या काम करेगा? एज अ शॉपकीपर। क्लाइंट एज अ क्या काम करेगा? कस्टमर। तो शॉपकीपर और कस्टमर के कंसेप्ट को लेके आप लोग ट्राई करो इसको समझने की, ये इजी आप लोगों को इजीली समझ आ जाएगा। रीड कर लेते हैं उसके बाद फिर मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ। देखिएगा अ सर्वर प्रोवाइड्स अ सर्विस। क्या कर रहा है? सर्वर प्रोवाइड कर रहा है सर्विस एंड क्लाइंट गेट्स दैट सर्विस। जैसे मैंने एक सिंपल बात की है कि जो सर्वर है एज अ शॉपकीपर के तौर पर काम कर रहे हैं और जो क्लाइंट है वो एज अ कस्टमर के तौर पे काम कर रहे हैं। सो जो सर्वर है वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जो सर्वर है हमारे पास सर्विस क्या कर रहे हैं? प्रोवाइड कर रहे हैं। और जो क्लाइंट है हमारे पास वो सर्विस को गेट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा अ क्लाइंट एप्लीकेशन रिक्वेस्ट सम सर्विसेज फ्रॉम अनदर एप्लीकेशन विच एक्ट्स एज अ सर्वर। वो कह रहे हैं जो क्लाइंट है कुछ ऐसी एप्लीकेशन भी यूज कर रहा होता है, ऐसी एप्लीकेशन जो सर्वर के तौर पे एक्ट कर रही होती है। व्हेन वी एक्सेस आवर वेबसाइट वी गेट कंटेंट्स ऑन आवर स्क्रीन सर्व्ड बाय सर्वर। वो कहता है जैसे आप लोग किसी भी वेबसाइट में एक्सेस करते हो, किसी भी वेबसाइट पे लॉगिन करते हो या कोई भी सर्चिंग करते हो, तो जो कंटेंट आपकी स्क्रीन में आपको शो होगा, सपोज आपने कोई चीज़ सर्च की है नेट पे, तो वो वेबसाइट के थ्रू आपकी स्क्रीन पे जो सर्चिंग अवेलेबल होगी आपके सामने आएगी, कंटेंट होगा जो जो आपने सर्च किया होगा टॉपिक वो आपके सामने आ जाएगा। वो सामने कौन लेके आ रहा है बच्चों? सर्वर। जो सर्वर था वो आपको शो करवा रहा है। ठीक है, आवर ईमेल्स आर आल्सो देयर ऑन सम सर्वर व्हेन वी प्रोवाइड यूजर नेम एंड पासवर्ड। अब यूजर नेम और पासवर्ड की एक एग्जाम्पल आप लोगों को बता देता हूँ। देखिएगा मोस्टली लोग फेसबुक तो यूज़ करती हैं। अब फेसबुक यूज़ करने के लिए और उस पर अकाउंट सबसे पहले हमें बनाना पड़ता है, क्रिएट करना पड़ता है, जिसको साइन अप करते हैं। वो सारा डाटा जो रिकॉर्ड होता है वो हम लोग साइन अप करते वक्त देते हैं। वही डाटा FB का जो सर्वर होता है वहाँ पे जाके सेव हो जाता है। ठीक है, फेसबुक के सर्वर पे साइन अप करते हुए जो हमारा डाटा होगा वो क्या हो जाएगा? अपलोड हो जाएगा। जैसे आपने साइन अप किया, उसके बाद आपने क्या करना होता है बच्चों? साइन इन करना होता है। ठीक है, साइन इन करते वक्त आपको एक तो यूजर नेम आपसे पूछते हैं, उसके बाद क्या पूछते हैं? पासवर्ड पूछते हैं। अब वही यूजर नेम और पासवर्ड पूछते हैं जो आपने साइन अप करते वक्त सर्वर पे अपलोड करवाया था, साइन अप किया था। ठीक है, अब जैसे आपने साइन इन पे यूजर नेम दिया और पासवर्ड दिया, यही पासवर्ड और यूजर नेम चेक करते हैं कि ये वही है जो पहले इन्होंने साइन अप करते वक्त दिया था। इट्स मीन FB के सर्वर से वही जो साइन इन की इंफॉर्मेशन होती है वो चेक होती है। अगर वो कर गई मैच, ठीक है, अगर वो कर जाएगी मैच तो आप सक्सेसफुली क्या हो जाएंगे? लॉग इन हो जाएंगे उस FB के अकाउंट में। ठीक है, तो इस तरह एज अ सर्वर एक काम कर रहे हैं और एज अ
क्लाइंट एक आप लोग काम कर रहे हैं, आप ऐसा क्लाइंट काम कर रहे हैं जो एफपी का सर्वर है वो ऐसा सर्वर के तौर पे काम कर रहा है, वो चेक कर रहा है डेटाबेस के थ्रू कि आपका जो पासवर्ड था या यूजर नेम था वो मैच कर रहा है, तो ठीक है अगर मैच करेगा तो आपको लॉग इन करवा देगा। और आप एज अ क्लाइंट काम कर रहे हैं, याद रखिएगा आप एज अ क्लाइंट काम कर रहे हैं, जो एफपी का सर्वर है वो एज अ सर्वर काम कर रहे हैं। एक्चुअली सर्वर आप लोग इसको कह सकते हो एफपी के बैक एंड पे, जिसको हम लोग कहते हैं डेटाबेस। डेटाबेस में ये सारा कुछ रिकॉर्ड आपका सेव हो रहा होता है। तो ये यूजर नेम और पासवर्ड का इशू था। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, रीड करते हैं हम। द सर्वर वेरीफाइज, द सर्वर वेरीफाइज क्रेडेंशियल एंड सर्च अवर ईमेल रिकॉर्ड्स एंड ईमेल यूजर इन द एग्जांपल, देख ले इन दिस एग्जांपल इज द क्लाइंट हैज शोन। अब देख ले वो कह रहे हैं अगर आप ईमेल को लेके, यहाँ पे मैंने आप लोगों को एफपी की एग्जांपल दी है फेसबुक की, अब अगर मैं वही एग्जांपल ले लूँ किस चीज की, ईमेल की, क्योंकि ईमेल में भी हर एक का अकाउंट होता है, वो जैसे लॉग इन करते हैं ईमेल के सर्वर के थ्रू जो उनका रिकॉर्ड होता है वो वेरीफाई होता है, क्रेडेंशियल करते हैं, वेरीफाई करते हैं। मैंने एग्जांपल आपको फेसबुक की दे दी है, सेम इसी तरह की एग्जांपल होगी ईमेल के सर्वर के थ्रू। अगर ईमेल आप लोग यूज कर रहे हो तो उसका जो रिकॉर्ड होगा ईमेल के सर्वर के थ्रू ही जाके वेरीफाई होगा, ठीक है। सेम ये एग्जाम्पल थी। अब इन शॉर्ट जो मैंने एक कंसेप्ट दिया था आप लोगों को छोटा सा, उसको दोबारा रिपीट करते हैं हम लोग, उसके बाद इस डायग्राम को हम लोग डिफाइन करेंगे। शॉपकीपर एंड कस्टमर का इस कंसेप्ट को देखिएगा। अब एक है शॉपकीपर, ठीक है, एक हमारे पास क्या है कस्टमर है। अब शॉपकीपर अपनी शॉप जो होगी उसमें क्या करके रखनी है ओपन, और जो कस्टमर्स होते हैं वो जाते हैं, जो कस्टमर्स होंगे वो क्या जाएंगे शॉपकीपर के थ्रू। इट्स मीन जो कस्टमर्स हैं डिपेंड कर रहे हैं शॉपकीपर पे, जो कस्टमर्स हैं वो क्या कर रहे हैं बच्चों, डिपेंड कर रहे हैं शॉपकीपर पे, ये उसकी तरफ जा रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि शॉपकीपर ही कस्टमर्स की तरफ आ रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसी को मैं ले रहा हूँ शॉपकीपर को एज अ सर्वर, कस्टमर्स को मैं ले रहा हूँ एज अ क्लाइंट्स, ठीक है। अब ये भी हमारे पास बच्चों क्या है, कंप्यूटर है, जिसको हम लोग कहते हैं लेस पावरफुल कंप्यूटर। अब ये शॉपकीपर को मैं ले रहा हूँ एज अ सर्वर, सर्वर को कहते हैं बच्चों मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर, ठीक है। अब देख लें जो कस्टमर्स हैं क्लाइंट्स हैं लेस पावरफुल कंप्यूटर है वो डिपेंड कर रहे हैं सर्वर पे। इट्स मीन जो क्लाइंट है हमारे वो डिपेंड किस पे कर रहे हैं, सर्वर पे कर रहे हैं, ये इनके मातहत है। जो क्लाइंट्स हैं वो किसके मातहत है, सर्वर के, सर्वर इनके मातहत नहीं है, क्लाइंट्स उनके मातहत हैं, उनके जो क्लाइंट्स हैं इन पे इंसार कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि सर्वर मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर है। अगर एक और एग्जांपल सिंपल सी मैं आप लोगों के सामने आपको दिखाना चाहूँ तो उसको हम लोग इस तरह देख सकते हैं, सिंपल डायग्राम जो हम बनाते होते हैं एक नेटवर्क की, नेटवर्क में पीसी वन पीसी टू पीसी हमारे पास थ्री है। अब तीन पीसी मैंने कनेक्ट करवा दी है, एक किस में नेटवर्क में, तीन पीसी हैं। अब इसमें मैं करूंगा क्या, एक्चुअली एक सर्वर को भी मैं ऐड कर देता हूं, ठीक है। अब एक हमारे पास सर्वर भी ऐड कर दिया मैंने इस पूरे नेटवर्क में। अब एक सर्वर है, तीन हमारे पास बच्चों क्या है क्लाइंट है, क्लाइंट वन क्लाइंट टू क्लाइंट थ्री, ये भी हमारे पास एक्चुअली कंप्यूटर है, ये भी कंप्यूटर है, ये भी कंप्यूटर है, ये भी कंप्यूटर है। फर्क क्या है, ये मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर है, ये क्या है लेस पावरफुल कंप्यूटर है। तो ये सारे डिपेंड कर रहे हैं सर्वर, ये सारे डिपेंड कर रहे हैं सर्वर पे। क्यों, क्योंकि जो सर्वर की स्टोरेज होगी वो इन से ज़्यादा होगी, जो सर्वर की स्टोरेज रखते हैं हम लोग, कैपेसिटी रखते हैं डाटा स्टोर करने की, वो एज़ कम्पेयर टू अदर कंप्यूटर्स वो ज़्यादा होती है। तो
तो ये उसकी स्टोरेज कैपेसिटी को शेयर कर सकते हैं, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, सारा अपना डाटा ये इस पर सेव कर सकते हैं। किसी को सपोज इसने कोई डाटा इस पर आके सेव किया, वही डाटा अगर इसने लेना हुआ तो ये डायरेक्ट वो डाटा सर्वर से ले सकता है, इससे नहीं। क्यों? क्योंकि वो सारा डाटा सर्वर पे अवेलेबल होगा, ये जाएगा सर्वर से, वो अपनी रिक्वायरमेंट या जो रिक्वायर्ड डाटा होगा वो ले सकता है। इट्स मीन ये सारे जा रहे हैं सर्वर के पास, तो ये सारे किस पे डिपेंड कर रहे हैं? सर्वर पे। सर्वर क्योंकि सर्वर मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर है। अब एक और छोटी सी एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, जो डायग्राम है बुक है आप लोग के पास। अब इसको देखिएगा, ये क्या है हमारे पास? सर्वर। अब ये हमारे पास एक लैपटॉप है, ये एक मोबाइल है, ये एक सिस्टम है। अब यहां